नमस्ते, सत श्री अकाल, शालोम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वंडरलस्ट स्पैरो पर, जहां आप देख सकते हैं न्यू ट्रेवल एंड एक्सप्लोरेशन वीडियोस। तो आज हम आपको लेके चल रहे हैं देवताओं के ताल, देवरिया ताल, जहां पर देवता जो है स्नान के लिए आते हैं। साथ ही एक ऐसी जगह है जहां पर महाभारत काल में यक्ष ने पांडवों से प्रश्न पूछे थे और चार पांडवों की हत्या कर दी थी। तो चलिए चलते हैं। चोपता गांव से सुबह सुबह हम निकल पड़े हैं सारी गांव की ओर। सारी गांव से लगभग 4 किलोमीटर का ट्रेकिंग है और ऊपर हम पहुंचते हैं देवरिया ताल। सामान्यतः देवरिया ताल, चोपता, चंद्रशिला पूरा एक ट्रेक होता है 15 किलोमीटर का, लेकिन क्योंकि हमने चोपता पहले ही कर लिया है तो अब हम केवल देवरिया ताल ऊपर विजिट करने जाएंगे और उसके बाद में वापस रिटर्न हो जाएंगे। यह है देवरिया ताल ट्रेकिंग का एंट्री पॉइंट, जो कि सारी गांव से स्टार्ट होता है। ये सारा का सारा जो रूट है, ट्रेकिंग रूट, ये आता है केदारनाथ वाइल्ड सेंचुरी के अंडर। तो यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, आपको फॉलो करने होंगे, उसके बाद में आप जा सकते हैं। और यहाँ से मॉर्निंग का जो सनराइज का व्यू है वो काफ़ी खूबसूरत लगता है। अगर आप देवरिया ताल ट्रेकिंग के लिए आ रहे हैं तो मेरा आपको सुझाव रहेगा कि आप दोपहर के 2 बजे से पहले पहले ट्रेकिंग स्टार्ट कर दें। हालांकि जो ट्रेकिंग है वो 3 से 4 घंटे की ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको सूर्यास्त से पहले पहले देवरिया ताल के पास पहुंचना होगा, क्योंकि पूरा का पूरा इलाका जो है वन्य जीवों से घिरा हुआ है। तो आपको करना क्या है कि आप 2 बजे भी अगर स्टार्ट करेंगे दोपहर के, तो 5-6 बजे तक आप आराम से पहुँच जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन उसके बाद में, सूर्यास्त के बाद में अगर आप ट्रेकिंग स्टार्ट करेंगे तो वन्य जीवों का आपको खतरा रहेगा। देवरिया ताल ट्रेकिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके आसपास के जो गांव हैं, आप ट्रेकिंग स्टार्ट करें सारी गांव से और उसके बाद में जब तक आप देवरिया ताल नहीं पहुंच जाएंगे तो ये गांव आपको ऊपर रास्ते से दिखते रहेंगे। और ये नज़ारा जो है ना काफ़ी मनमोहक होता है, साथ ही जो प्रकृति है उसके भी आपको अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी खूबसूरत हैं। जब आप देवरिया ताल ट्रैकिंग कर रहे होंगे तो रास्ते में एक शिव जी का मंदिर दिखाई देगा आपको। इस मंदिर के ऊपर 3-4 स्पीकर लगे हैं और उसमें शिव जी की आरती और मंत्रा जो हैं चलते रहते हैं, बजते रहते हैं। जब आप ये रास्ता ट्रैकिंग कर रहे होंगे तो ये जो मंत्र हैं यही आपको स्फूर्ति देंगे, आपको एक नई ऊर्जा देंगे। और यकीन मानिए, जब आप ये ट्रैकिंग कर रहे होंगे, बैकग्राउंड में से ये जो शिव जी के मंत्रों की आरती की आवाज़ सुनाई देगी ना, तो ये अपने आप में एक अलग ही आपको शक्ति प्रदान करेगी। सुबह सुबह तेज़ दौड़कर हम पहुंच गए हैं 1.5 घंटे में यहाँ पर ऊपर देवरिया ताल। और जैसे आप देवरिया ताल में पहुंचेंगे तो यहाँ पर रास्ते में सबसे पहले आपको एक वन विभाग की चौकी दिखाई देगी। इस चौकी पर आपको देवरिया ताल में आगे एंट्री करने के लिए और यहाँ पर फोटोग्राफी करने के लिए एक टिकट लेना होगा। भारतीय नागरिकों के लिए 150 रुपये इसका चार्ज किया जाता है और फॉरेनर्स के लिए 600 रुपये इसका चार्ज है। और अगर आप भारतीय विद्यार्थी हैं या भारतीय नागरिक हैं और विद्यार्थी हैं तो आपको 75 रुपये का इसका चार्ज किया जाएगा। देवरिया ताल बरसात के मौसम में और उसके बाद एक बुग्याल बन जाता है, यानी घास का मैदान बन जाता है। और बरसात के दिनों के बाद में यहाँ पर ये जो चारों तरफ का एरिया होता है पूरा घास से घिर जाता है, काफ़ी सुंदर देखने को होता है। और अगर आप सर्दियों में आते हैं तो ये सारा का सारा एरिया जो है बर्फ से कवर हो जाता है और एक बहुत ही खूबसूरत जगह बन जाती है। मेरे ख्याल से ओली से ज़्यादा खूबसूरत जो है देवरिया ताल का लोकेशन होता है सर्दियों में बर्फबारी के बाद में। पूरा का पूरा ट्रेकिंग रूट कुछ ऐसा दिखाई देता है सर्दियों में, चारों तरफ बर्फ गिरी होती है, इसके बीच में से आप चल के देवरिया ताल पहुंच रहे होते हैं। और फरवरी में ये बर्फ जो है लगभग 3 से 4 फुट गहरी हो चुकी होती है, तो यहाँ पर चलने के लिए भी आपको सावधानी बरतनी होगी। आप में से कई लोगों ने अपने स्कूल टाइम में महाभारत कालीन एक कहानी पढ़ी होगी कि किसी झील किनारे पांडव जाते हैं और उसका पानी भरना चाहते हैं, लेकिन यक्ष उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। उन प्रश्नों का सही जवाब नहीं देने के कारण यक्ष जो है 4 पांडवों को मार देते हैं। और 5वें पांडव यानी युधिष्ठिर ने जब उन सभी प्रश्नों का सही जवाब दिया तो यक्ष खुश होकर उन 4 पांडवों को वापस जीवित कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये वही झील है देवरिया ताल, जहाँ पर पांडवों से यक्ष ने प्रश्न पूछे थे और उसके बाद में उनको आगे जाने दिया था और इस झील का पानी पीने दिया था। दूसरा, ऐसा कहा जाता है कि जो देवताओं के राजा हैं देवराज इंद्र, उनका ये स्नान कुंड है, वो यहाँ पर नहाने आते हैं और इसीलिए इस ताल को, इस झील को देवरिया ताल कहा जाता है, यानी देवताओं की ताल। इससे आगे का जो रास्ता है वो
चोपता की ओर जाता है। लगभग 13 से 14 किलोमीटर लंबा रास्ता है जो कि आगे चोपता की तरफ जाता है। और ये सारा का सारा जो ट्रैक है देवरिया ताल चंद्रशिला ट्रैक कहा जाता है। सामान्यतः लोग इसको 2 से 3 दिनों में पूरा करते हैं इस पूरे ट्रैक को। यहाँ देवरिया ताल से स्टार्ट होता है, चोपता होते हुए चंद्रशिला जाता है। लोकल्स की माने तो इस ताल में अब तक डूब कर लगभग 19 लोगों ने सुसाइड किया है। तो अगर आप इसमें तैरने की सोच रहे हैं तो भैया थोड़ा बच के। देवरिया ताल ट्रैक कंप्लीट करने के बाद में हम निकल पड़े ऋषिकेश की तरफ। हमारा जो रूट है वो है ऊखी मठ होते हुए रुद्रप्रयाग एंड श्रीनगर पहुंचना, उसके बाद में शाम तक हम पहुंचेंगे ऋषिकेश। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं अभी क्या है कि चार धाम परियोजना का काम चल रहा है तो उसके कारण पूरा का पूरा रास्ता बिगड़ा हुआ है। उम्मीद है कि 2023 तक ये पूरा का पूरा रास्ता सही हो जाएगा और इसको 4 लेन जो है रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा रहा तो काफ़ी अच्छा रहेगा आने जाने वालों के लिए और चार धाम का जो पूरा रूट है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा यहाँ पे आने वाले यात्रियों के लिए। पांच प्रयागों में से एक प्रयाग रुद्रप्रयाग हम पहुंच गए हैं जहां पर मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का जो है संगम होता है। आगे बढ़ रहे थे कि रास्ते में ये महिलाएं मिली घास फूस के गट्ठर लेकर। पहाड़ों में क्या होता है कि सर्दियों में महिलाएं घास फूस जो है इकट्ठे करके घर पे ले आती है ताकि जानवरों के चारे की कमी ना हो। एक तरफ हमारे शहरों में नोनियों का 5 से 10 किलो वजन उठाने पर ही कमर जवाब दे जाती है, वहीं पर ये पहाड़ों में जो महिलाएं हैं 30 से 40 किलो के घास के गट्ठर आराम से उठाकर इन खड़ी चढ़ाई में चलते हैं। शायद यही है जो अपनी पहाड़ी सभ्यता को बचाए रखने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। एक सल्यूट तो बनता है इनकी मेहनत को। बहरहाल हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश और हमने हमारा जो होटल है वो राम झूले के पास ही लिया है ताकि सुबह शाम उठते बाहर निकलते गंगा मैया के दर्शन होते रहें और हम इसका आनंद लेते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई यात्रा और नई जानकारियों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।